हमारे चैनल होल ज्योग्राफी विद सोनिया में आपका स्वागत है। तो हम ज्योग्राफिकल थॉट्स को पढ़ रहे थे और भौगोलिक विचारधारा के इतिहास को मैंने एक कहानी की तरह सेट किया है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और थॉट्स बोरिंग ना लगे आपको। तो ज्योग्राफिकल थॉट्स में हम सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए आज फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के कॉन्ट्रीब्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत लोगों ने धारणा बना रखी है कि ज्योग्राफिकल थॉट्स सब्जेक्ट जो है ये बोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस प्लेलिस्ट के अगर आप वीडियो देखेंगे और उसके बाद आप ज्योग्राफिकल थॉट की कोई भी बुक उठाकर पढ़ेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ज्योग्राफी का जो हिस्ट्री है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो आइए टॉपिक पर चलते हैं। फ्रांस में ज्योग्राफिकल थॉट्स का विकास 18वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था। फ्रांस कहाँ है, सबसे पहले हम वर्ल्ड के मैप में फ्रांस देख लेते हैं। तो ये इसमें वर्ल्ड के मैप में ये क्षेत्र है यूरोप का, तो यूरोप में फ्रांस पड़ता है हमारा, ये है हमारा फ्रांस। मैं इसको पर्पल कलर से कलर कर देती हूँ। ओके, तो ये है हमारा फ्रांस। तो मैं ये कह रही थी कि फ्रांस में ज्योग्राफिकल थॉट्स का विकास जो हुआ वो 18वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था, और शुरुआत हुई थी मानचित्र कला से, अर्थात कार्टोग्राफी से। और वे सभी मानचित्र जो तैयार किए गए थे वो भूगर्भिक सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किए गए थे। और उस समय में फ्रांस में हिस्ट्री के टीचर ही ज्योग्राफी भी पढ़ाया करते थे। उसके बाद समय बीतने के साथ 19वीं शताब्दी तक फ्रांस की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हो गए थे। उसके बाद 1903 तक 27 प्रोफेसर और लेक्चरर्स ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के लिए सेलेक्ट किए गए। फिर 1920 तक फ्रांस के सभी यूनिवर्सिटीज में ज्योग्राफी पर स्टडी शुरू हो गया था, और उस समय फ्रांस के अधिकतर विद्वान ब्लास महोदय के शिष्य थे। और अगर हम फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के योगदान की बात करें तो सबसे ज्यादा योगदान इनका प्रादेशिक भूगोल और मानव भूगोल के विकास में रहा है। और फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं की कोशिशों के कारण ही 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही भूगोल एक स्वतंत्र विषय बन गया, भूगोल एक आजाद विषय बन गया। तो अब हम फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के योगदान के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम एलेसी रेकलस महोदय के योगदान को पढ़ेंगे। तो हम कॉल रिटर महोदय के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो कि जर्मनी के थे, इनके योगदान के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो कॉल रिटर महोदय के शिष्य थे एलेसी रेकलस महोदय, और एलेसी रेकलस महोदय की जो फर्स्ट बुक है वो है, उसका नाम है ला टेरे, और इनकी ये बुक जो थी वो भौतिक भूगोल थी, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी थी। उसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हुआ जिसका टाइटल था अर्थ एंड इट्स इनहैबिटेंट्स, अर्थात पृथ्वी और उसके वासी। और इनकी जो दूसरी बुक थी उसका नाम था नोवेल ज्योग्राफी यूनिवर्सल, यानी कि विश्व का नवीन भूगोल। और अपने इस दूसरे ग्रंथ में इन्होंने विश्व का प्रादेशिक अध्ययन लिखा था। ज्यादा वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए रेकलस महोदय ने सुंदर और रंगीन मानचित्रों का इस्तेमाल भी किया था। रेकलस महोदय ने अपने कार्यों में प्रादेशिक अध्ययन और वातावरण के अध्ययन पर अधिक बल दिया, और मानव और प्रकृति के बीच अंतर संबंध को भी इन्होंने अच्छे से लिखा है। और नेक्स्ट है फ्रेडरिक लीपले महोदय, इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है लेस ऑरियर्स यूरोपियंस, और इन्होंने अपनी इस पुस्तक में एक सूत्र दिया था स्थान, कार्य और समाज का। और लिपले महोदय यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं अपने सूत्र के द्वारा कि स्थान का प्रभाव कार्य और समाज पर पड़ता है, यानी प्लेस का इम्पैक्ट वर्क और फॉक पर पड़ता है। इनके इस सूत्र को बहुत ही प्रचार प्रसार किया था एक विद्वान थे पैट्रिक गेट्स महोदय, जो कि ब्रिटिश ज्योग्राफर थे, और उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम ब्रिटिश ज्योग्राफिकल थॉट्स पढ़ेंगे। पैट्रिक गेट्स महोदय ने फ्रेडरिक लीपले महोदय के इस सूत्र का बहुत ही प्रचार प्रसार किया था। और नेक्स्ट है लूसियन फेब्रे महोदय।
लुसियन फेब्रे महोदय ने सर्वप्रथम संभववाद पॉसिबिलिज्म शब्द दिया था, और अभी तक नियतिवादी विचारधारा के आधार पर कहा गया था कि मनुष्य प्रकृति का दास है, प्रकृति मनुष्य पर नियंत्रण करती है, ऐसा कहा गया था। लेकिन लुसियन फेब्रे महोदय संभववाद की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को प्रकृति का दास नहीं समझना चाहिए, बल्कि मानव प्रकृति से लड़ सकता है, मानव क्रियाशील प्राणी है। लुसियन फेब्रे महोदय ने कहा कि संभावनाओं का उपयोग करके मनुष्य को ही जीत प्राप्त होगी। इस प्रकार लुसियन फेब्रे महोदय ने संभववादी विचारधारा का पुरजोर समर्थन किया था। और उनकी एक मेन बुक है जिसका नाम है ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, और इनका एक स्टेटमेंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, नेट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सभी जगह संभावनाएं हैं। नेक्स्ट ज्योग्राफर हैं श्राडर महोदय, इनकी मेन बुक का नाम है निर्देशिका, और ये एक कलाकार थे, सर्वेक्षक भी थे, और आप यहाँ पर देख रहे होंगे फ्रांस मैंने दिखाया था, और फ्रांस के नीचे ये स्पेन है, तो फ्रांस और स्पेन के बीच में पिरेनीज पर्वत श्रेणी पड़ती है, तो पिरेनीज के केंद्रीय भाग के नए मानचित्र बनाए थे किसने, श्राडर महोदय ने। इसके बाद इन्हें HAT लाइब्रेरी में मुख्य अधिकारी बना दिया गया, जहां इन्होंने मैप सीरीज पब्लिश की थी अपनी, जिसमें से मेन जो मैप सीरीज थी उनका मैंने यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, एटलस द ज्योग्राफी मॉडर्न, एटलस द ज्योग्राफी हिस्टोरिक, एटलस यूनिवर्सल द ज्योग्राफी। ये सभी जो मैप सीरीज थी इनकी, ये सभी इम्पोर्टेंट थी। और श्राडर महोदय के जीवन का ज्यादातर वर्णन इमैनुअल दी मरगेरी महोदय ने किया था, क्योंकि उन्होंने श्राडर महोदय के साथ काम भी किया था। अब मरगेरी महोदय का नाम आ ही गया है, तो आइए पहले इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को हम देख लेते हैं। तो इमैनुअल दी मरगेरी महोदय का जो मुख्य अध्ययन रहा वो प्राकृतिक विज्ञान पर रहा, अर्थात नेचुरल साइंस पर रहा। इन्होंने ना तो कभी यूनिवर्सिटीज में टीचिंग किया और ना ही कोई डिग्री ली, फिर भी अपने कार्यों के द्वारा भूवैज्ञानिक के रूप में उभरे और जीवन भर भूगोल में अध्ययन किया। इन्होंने भू आकारों का भी अध्ययन किया। 1894 में ब्लाश महोदय के साथ ये जुड़ गए थे, और ब्लाश महोदय की बुक थी एनल्स द ज्योग्राफी, जिसका ये फ्रेंच ट्रांसलेशन करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करते थे। और ये है हमारा फ्रांस, और यहाँ फ्रांस के बगल में पड़ता है स्विट्जरलैंड, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर जूरा पर्वत श्रेणी पड़ती है, जूरा पर्वत श्रेणी। तो जूरा पर्वत की मॉर्फोलॉजी पर भी इन्होंने स्टडी किया था, और इनकी जो मेन बुक है उसका नाम है फॉर्म्स द टेराइन। तो हमने इमैनुअल दी मरगेरी के बारे में देखा, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा, और अब नेक्स्ट ज्योग्राफर है विडाल डी ला ब्लाश महोदय, और इनकी आरंभिक शिक्षा फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई। हमने अभी देखा था वर्ल्ड के मैप में फ्रांस कहाँ है, यह है फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में इनकी आरंभिक शिक्षा हुई, और ग्रीक के एथेंस में फ्रांसीसी स्कूल था, वहां पे ये भूगोल पढ़ाया करते थे। ग्रीक कहाँ है, ग्रीक यह है इटली प्रायद्वीप, और इटली प्रायद्वीप के बगल में जो प्रायद्वीप है यह है ग्रीक, और ग्रीक के एथेंस में ही ये ज्योग्राफी पढ़ाया करते थे। और फिर फ्रांस लौटकर इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली। और नैंसी यूनिवर्सिटी, इकोले यूनिवर्सिटी और सोरबोन यूनिवर्सिटी, ये तीनों ही यूनिवर्सिटीज फ्रांस की हैं, जहां पे ये प्रोफेसर रह चुके हैं विडाल डी ला ब्लाश महोदय। और फ्रांस में लगभग सभी ज्योग्राफर्स उस समय में इनके शिष्य रहे हैं, और इनकी प्रमुख किताबों में अगर हम देखें तो यूरोप के राज्य और राष्ट्र, अर्थात स्टेट नेशन डी ला यूरोप, यूरोप की मानचित्रावली, और वार्षिक ग्रंथमाला अर्थात एनल्स द ज्योग्राफी, वार्षिक संदर्भ ग्रंथ सूची अर्थात बिबिलियोग्राफी। नेक्स्ट बुक है फ्रांस का भूगोल, टैबलियो डी ला ज्योग्राफिक डी ला फ्रांस। और नेक्स्ट है मॉडल्स ऑफ लाइफ जनरस डेवी इन ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल में जीवन के तरीके इस किताब में लिखे इन्होंने। और इनकी नेक्स्ट बुक है भूगोल के विभिन्न विशेषताएं,
द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योग्राफी, और नेक्स्ट बुक है पूर्वी फ्रांस का भूगोल अर्थात ला फ्रांस डी ला ईस्ट, और नेक्स्ट है मानव भूगोल के सिद्धांत। और अब हम विडाल डी ला ब्लास महोदय की प्रादेशिक अवधारणा को पढ़ेंगे। इन्होंने अपनी प्रादेशिक अवधारणा में ये बताया, ये कहना चाहते हैं कि प्रादेशिक अध्ययन में किसी प्रदेश का, जैसे ये कोई प्रदेश है, इस प्रदेश की भौतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक तथ्यों के प्रभाव को स्पष्ट करना चाहिए। किसमें? प्रादेशिक अवधारणा में। फिर से मैं बता देती हूँ कि प्रादेशिक अवधारणा में इन्होंने ये कहा कि किसी प्रदेश के भौतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक तथ्यों के प्रभाव को स्पष्ट करना आवश्यक होता है। और ब्लास महोदय ने फ्रांस के छोटे छोटे विलेज एरिया की ज्योग्राफिकल स्टडी की, और इन छोटे छोटे क्षेत्रों को ब्लास महोदय ने पेज कहा अर्थात पे कहा। हमने पहले पिछले लेक्चर में बुआचे महोदय के बारे में पढ़ा था, बुआचे महोदय के, तो उन्होंने नदी बेसिन की अवधारणा दी थी और उसको हमने काफी डिटेल में पढ़ा था, जिसे ब्लास महोदय ने असंभव बताया। और प्रादेशिक अध्ययन में छोटी इकाइयां ही नहीं, जब हम प्रादेशिक अध्ययन करते हैं तो वर्ल्ड के किसी एक छोटे से क्षेत्र का, मतलब छोटे से प्रदेश का हम अध्ययन करते हैं, तो इन्होंने केवल छोटी इकाइयां ही नहीं बल्कि बड़े प्रदेश का भी अध्ययन स्वीकार किया है, और प्रदेशों का विश्व स्तर पर अध्ययन करने की योजना भी इन्होंने बनाई थी, लेकिन मृत्यु के कारण ये पूरा नहीं कर सके। इनकी इस योजना को आकार दिया गैलोस महोदय ने अपनी बुक ज्योग्राफिक यूनिवर्सल में। गैलोस महोदय के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे आगे। ये भी फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे, और अतः ये हम कह सकते हैं कि ब्लास महोदय ने क्षेत्र या प्रदेश के वैज्ञानिक अध्ययन को भूगोल का केंद्र बिंदु बताया। और ब्लास महोदय ने कुछ भौगोलिक संकल्पनाएं भी दी, जिनके बारे में आइए डिस्कस कर लेते हैं। ब्लास महोदय ने भूगोल में प्राकृतिक और मानव विज्ञान को विज्ञान में उचित स्थान देने के लिए ये संकल्पनाएं दी थी। तो पहली संकल्पना है पार्थिव एकता की संकल्पना, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। तो इस संकल्पना में ब्लास महोदय ने भौतिक तत्वों अर्थात फिजिकल फैक्टर्स में एकता होती है ये बात समझाने की कोशिश की है, और सभी फिजिकल फैक्टर एक दूसरे पर डिपेंड और इंटर रिलेट भी होते हैं, ऐसा इन्होंने इस कॉन्सेप्ट में कहा। उसके बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट है पृथ्वी और मानव के मध्य अंतर संबंध की संकल्पना अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड मैन। उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट इनका जो है वो है वातावरण एक भौगोलिक संकल्पना अर्थात एनवायरमेंट अ ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में इन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की कि जब बात पर्यावरण की आती है, वातावरण की आती है, तो वातावरण शब्द में सभी भौतिक तत्व आ जाते हैं, वातावरण जो शब्द है उसमें सभी भौतिक तत्व आ जाते हैं, अर्थात भूगोल वातावरण का अध्ययन है जिसमें भौतिक तत्वों को शामिल करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वातावरण की समस्त शक्तियों में सहसंबंध और मानव अनुकूलन की संकल्पना, अर्थात इंग्लिश में अगर इसको लिखेंगे तो कोरिलेशन बिटवीन ऑल ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन एडॉप्टेशन। इसमें प्राकृतिक शक्तियों और मानव का उनके साथ अनुकूलन को शामिल किया इन्होंने। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पार्थिव तत्वों के स्वरूप निरूपण और वर्गीकरण करने के लिए वैज्ञानिक विधि की संकल्पना, अर्थात इंग्लिश में अगर हम इसे कहें तो कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड्स और डिफाइनिंग एंड क्लासिफाइंग टेरेस्ट्रियल फिनोमिना। इस संकल्पना के थ्रू इनका कहना है कि पार्थिव दृश्यों की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिक विधि को अपनाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इनका है वो है भौगोलिक कारक के रूप में मानव की अवधारणा, अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ मैन एज अ ज्योग्राफिकल फैक्टर। इस संकल्पना में ब्लास महोदय बताते हैं कि भूगोल में मानव प्रकृति में जो भी परिवर्तन करता है उसे पहचानना आवश्यक है।
मानव भूगोल में भी ब्लॉश महोदय को बहुत प्रसिद्धि मिली। उन्होंने प्रकृति और मानव के बीच संबंध के अध्ययन को ही भूगोल कहा। ब्लॉश महोदय की मानव भूगोल पर जो पुस्तक रही है वो थी प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ब्लॉश महोदय ने इस पुस्तक में मानव भूगोल के लक्ष्य और संकल्पनाओं की व्याख्या की है। मानव और प्रकृति के संतुलन को ब्लॉश महोदय ने संतुलित दृष्टिकोण से विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और इस सिद्धांत के आधार पर ब्लॉश महोदय ये समझाना चाहते हैं कि जीने की विधि से मनुष्य अपने एनवायरनमेंट के साथ सामंजस्य बनाकर विशेष निवास बना सकता है। अर्थात इनके सिद्धांत के अनुसार यह भी कह सकते हैं कि ब्लॉश महोदय का जीवन पद्धति सिद्धांत जो है यह मानव का वातावरण के साथ अनुकूलन को दर्शाता है। और ब्लॉश महोदय ने मानव भूगोल के तत्व भी बताए हैं। तो मानव भूगोल के तत्वों में इन्होंने जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन बताया, सांस्कृतिक तत्व अर्थात कल्चरल एलिमेंट्स बताए और परिवहन एवं भ्रमण ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेवल्स। और ब्लॉश महोदय संभववादी विचारक थे यानी पॉसिबिलिस्टिक थिंकर थे। और ब्लॉश महोदय ने बताया कि प्रकृति संभावनाएं प्रस्तुत करती है और मनुष्य अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग कर सकता है। उन्होंने लिखा है कि प्रकृति परामर्शदाता के अलावा कुछ नहीं है, अर्थात नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। अर्थात ब्लॉश महोदय यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि प्रकृति और मनुष्य हमेशा एक दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं और एक ओर मनुष्य ने प्रकृति के साथ ढलना सीखा है तो दूसरी ओर मनुष्य ने नेचर में अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस भी किए हैं। आइए ब्लॉश महोदय से संबंधित विडालियन परंपरा के बारे में, ला ट्रेडिशन विडालियन के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रांस की सोरबोन यूनिवर्सिटी में जब ब्लॉश महोदय प्रोफेसर नियुक्त हुए थे तो इनके बाद फ्रांस की कई सारी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर पद भरे गए और भूगोल विभागों की स्थापना हुई। और इन विश्वविद्यालयों के लगभग सभी प्रोफेसर ब्लॉश महोदय के ही शिष्य रहे थे और ब्लॉश महोदय के सभी शिष्य ब्लॉश महोदय के विचारों को देश विदेश में फैला रहे थे। तो यही ब्लॉश महोदय के शिष्यों द्वारा भूगोल के ज्ञान के प्रसारण की जो ये परंपरा जो थी कि उनके शिष्य देश विदेश में उनके ज्ञान को प्रसारित कर रहे थे, फैला रहे थे, इसे ही बूटीमर महोदय ने विडालियन परंपरा का नाम दिया। इस प्रकार ब्लॉश महोदय ने फ्रांस में भूगोल की मजबूत नींव प्रदान की और उनके शिष्यों ने भूगोल को तेजी से पूरे विश्व में प्रसारित करने का प्रयास किया। ब्लॉश महोदय के शिष्यों की बात करें तो सबसे पहले हम गैलोस महोदय के कॉन्ट्रीब्यूशन को अब हम पढ़ेंगे। हम गैलोस महोदय के बारे में पढ़ रहे हैं और ब्लॉश महोदय की विश्व भूगोल ग्रंथ लिखने की जो योजना थी जिसके बारे में अभी हमने देखा था, तो ब्लॉश महोदय की विश्व भूगोल ग्रंथ लिखने की जो योजना थी उसे गैलोस महोदय ने पूरा किया और इन्होंने विश्व भूगोल लिखा। ब्लॉश महोदय के बाद सोरबोन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गैलोस महोदय ही बने थे और लेस ज्योग्राफिस एलिमेंट्स दी ला रिनेसेंस ये इनका रिसर्च था जिसमें इन्होंने मानचित्र कला के इतिहास का महत्वपूर्ण वर्णन इन्होंने इसमें किया था। विश्व भूगोल संस्था अर्थात यूनिवर्सल ज्योग्राफी इंस्टीट्यूट का इन्होंने मार्गदर्शन किया। गैलोस महोदय के कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिकन ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने इन्हें कुलुम पदक प्रदान किया, कुलुम पदक। और इनकी एक बुक के बारे में मैं बताना भूल गई, सॉरी। इनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है प्राकृतिक प्रदेश रीजन्स नेचुरल्स एट नॉर्म्स दी पेज। और अब ब्लॉश महोदय के दूसरे शिष्य के बारे में हम पढ़ेंगे, जीन ब्रुंश। इनका इंटरेस्ट स्पेशली ह्यूमन ज्योग्राफी और सेटलमेंट ज्योग्राफी में था। स्विट्जरलैंड कहाँ है? फ्रांस के जस्ट यहाँ पर स्विट्जरलैंड है। तो स्विट्जरलैंड की फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी के प्रोफेसर बने और
लॉसेन यूनिवर्सिटी में ह्यूमन ज्योग्राफी पर इन्होंने टीचिंग की। और इनकी प्रमुख पुस्तकों में जो इनकी मेन बुक्स हैं उनका नाम हम देख लेते हैं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी इनकी मेन बुक है, ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसके 3 पार्ट्स हैं। और इस बुक के बाद ही कॉलेज दी फ्रांस में ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए ये प्रोफेसर नियुक्त हुए। और इस बुक में इनकी बेटी मैडम रेमंड डेला मेयर ने संशोधन किया था ब्रंश महोदय की मृत्यु के बाद। उसके बाद इनकी नेक्स्ट बुक है ला ज्योग्राफी डे ला हिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट बुक है फ्रांस का मानव भूगोल अर्थात ज्योग्राफिक ह्यूमन डेला फ्रांस। नेक्स्ट बुक है फ्रांस का राजनीतिक आर्थिक भूगोल। उसके बाद ईसा बोमेन की बुक थी न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड का फ्रेंच में ट्रांसलेशन इन्होंने किया था। ब्रंश महोदय के अध्ययन की जो विधि रही, मेथोडोलॉजी रही, आइए उसके बारे में हम देख लेते हैं। इनके अध्ययन का सिद्धांत, तो इन्होंने 2 सिद्धांत फॉलो किए। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी, और दूसरा है अंतःक्रिया का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरकनेक्शन। तो सबसे पहले हम क्रियाशीलता के सिद्धांत को देखेंगे। तो इस सिद्धांत में ब्रंश महोदय ने बताया कि हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी परिवर्तनशील हैं। कोई भी वस्तु हो वह या तो वृद्धि कर रही है या फिर घट रही है, कुछ भी स्थायी या स्थिर नहीं है। सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवीय हो, ऐसा इन्होंने क्रियाशीलता के सिद्धांत में कहा। उसके बाद आता है अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन उन्हें अंतर संबंधित करके या इंटर रिलेट करके करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। और ये भी कहा कि जब हम इंटर रिलेट करके स्टडी करते हैं तभी मानव भूगोल का सही मूल्यांकन संभव हो पाता है। और ब्रंश महोदय संभववादी विचारक थे, और इनका मानना था कि मानव वातावरण का दास नहीं है। इनका मानना था कि मनुष्य अपने वातावरण को चुपचाप सहन करने के बजाय वातावरण को परिवर्तित करने में क्रियाशील रह सकता है। तो हमने ब्रंश महोदय के बारे में पढ़ लिया, और अब हम ब्लाश महोदय के नेक्स्ट शिष्य के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम है एमैनुअल डी मार्टोनी। तो ये ब्लाश महोदय के शिष्य तो थे ही और साथ ही साथ दामाद भी थे। रीन्स और लिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने टीचिंग की। सोरबोन यूनिवर्सिटी जो थी फ्रांस की, ब्लाश महोदय के बाद डी मार्टोनी महोदय भी वहां के प्रोफेसर बने सोरबोन यूनिवर्सिटी के, और पूरे यूरोप में ये फेमस थे। इन्होंने वृहद भौगोलिक संस्था की स्थापना की और भूविज्ञान, भूभौतिकी और जीव विज्ञान के विद्वान भी रहे ये। और डेविस महोदय, जिनके बारे में हम पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, जिन्होंने अपर्दन मॉडल दिया था अपना, तो डेविस महोदय से भी इनकी भेंट हुई थी। तो अब हम डी मार्टोनी महोदय के प्रमुख जो पुस्तकें इनकी रही उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इनका था वो था आल्प्स का हिमनद क्षरण का वर्णन। और इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी भी लिखी जिसका टाइटल था ट्रेट द ज्योग्राफिक फिजिक। एनल्स दी ज्योग्राफी जो कि ब्लाश महोदय की पुस्तक थी उसका संपादन इन्होंने किया। उसके बाद इनकी नेक्स्ट बुक जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी है, जिसमें इन्होंने रोमानिया, आल्प्स, मिड यूरोप और फ्रांस का भौतिक भूगोल लिखा था। और अब हम ब्लाश महोदय के नेक्स्ट शिष्य के बारे में पढ़ेंगे, अल्बर्ट डीमांजिया महोदय। तो अल्बर्ट डीमांजिया महोदय जो थे वो डी मार्टोनी महोदय के समकालीन भी थे। इनका स्टडी का जो मेन टॉपिक था वो फ्रांस के गांव के क्षेत्र थे। इन्होंने पिकार्डो पर स्टडी किया, पिकार्डो का भूगोल इन्होंने पब्लिश किया। इसके पब्लिश होने के बाद ही लिले यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर हुए। लिले यूनिवर्सिटी में काम करते हुए डीमांजिया महोदय ने बहुत सारे रिसर्च पब्लिश किए। उसके बाद इन्हें लिले यूनिवर्सिटी से बुलाकर सोरबोन यूनिवर्सिटी जो कि फ्रांस में है वहां पे प्रोफेसर बना दिया गया। इनके सामान्यतः 2 एम थे, 2 लक्ष्य थे। पहला ये कि मानव भूगोल पर संपन्न ग्रंथ लिखना चाहते थे और दूसरा फ्रांस का आर्थिक भूगोल लिखना चाहते थे, और लिखा भी इन्होंने। इनकी मृत्यु के बाद इनका ग्रंथ मानव भूगोल की समस्याएं प्रकाशित हुआ।
अर्थात प्रॉब्लम्स दी ज्योग्राफी ह्यूमन। इनकी मानव भूगोल की ये बुक पब्लिश होने के बाद ही फ्रांस का आर्थिक भूगोल भी इनका प्रकाशित हो गया। उसके बाद कॉन्सेप्ट पर आते हैं, तो निश्चयवाद की जो अवधारणा है जिसमें ये कहा गया कि प्रकृति मानव पर पूर्णतः प्रभाव डालती है, तो इससे ये सहमत नहीं थे। इस अवधारणा को इन्होंने अस्वीकार किया और कहा कि मानव प्रकृति में परिवर्तन करके उसका सामना कर सकता है। इस प्रकार आगे चलकर इन्होंने मानवीय क्रियाकलापों से परिवर्तनशील भौगोलिक परिवेश अर्थात ट्रांसफॉर्म मिलियो कॉन्सेप्ट का वर्णन इन्होंने किया। इनकी अदर बुक्स में अगर हम देखें जो कि मेन रही हैं, तो पहली है औपनिवेशिक भूगोल यानी कि कोलोनिकल ज्योग्राफी, और दूसरी है पेरिस नगर का अध्ययन अर्थात स्टडी ऑफ पेरिस सिटी। अब इमैनुअल डिमार्टोनी और अल्बर्ट डिमांजिया महोदय के शिष्य थे जीन गॉटमैन महोदय। इन्होंने भी ज्योग्राफी में अपना कंट्रीब्यूशन किया है, जो कि नगरीय भूगोल वेत्ता थे, और इन्होंने मेगालोपोलिस वर्ड जो है सबसे पहले इन्होंने दिया, और मेगालोपोलिस नाम का ग्रंथ भी इन्होंने पब्लिश किया। वार्षिक भौगोलिक ग्रंथ एनल्स दी ज्योग्राफी में इन्होंने जो एनल्स दी ज्योग्राफी ब्लाश महोदय के ने जो पत्रिका निकाली थी उसमें इन्होंने मानव भूगोल पर अनेक रिसर्च पब्लिश किए। उसके बाद इनकी और भी मेन बुक्स रही हैं, फ्रांस का मानव भूगोल, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों का मानव भूगोल, वर्जीनिया एक्ट मिड सेंचुरी, यूरोप महाद्वीप के महानगरों का अध्ययन। हम पढ़ेंगे पियरे दिफांते महोदय के बारे में, जो कि लुसेन गैलोस महोदय के शिष्य थे, जीन ब्रुंश महोदय के मित्र थे, और इमैनुअल डिमार्टोनी महोदय के भी शिष्य थे। तो सोर्बोन यूनिवर्सिटी में इन्होंने पीएचडी की, जो कि फ्रांस में है, और इनकी प्रमुख पुस्तकों में हम देख लेते हैं, तो पहली इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है लिमोसिन का प्रागैतिहासिक भूगोल यानी कि प्री हिस्टोरिक ज्योग्राफी ऑफ लिमोसिन, इस पर इनका रिसर्च पब्लिश हुआ था। उसके बाद कनाडा में मानव तथा शीत ऋतु, इनकी ये दूसरी मेन बुक है, और धार्मिक भूगोल, इनकी ये प्रमुख पुस्तकें हैं। और दिफांते महोदय के मित्र जीन ब्रुंश महोदय, मैंने अभी बताया था कि जीन ब्रुंश महोदय के ये मित्र थे, तो जीन ब्रुंश महोदय ने दिफांते महोदय में मानव भूगोल के लिए इंटरेस्ट जगाया, और दिफांते महोदय ने ब्रुंश महोदय की बुक फ्रांस के मानव भूगोल का सेकेंड पार्ट भी लिखा था। तो अब हम ब्लाश महोदय के नेक्स्ट शिष्य के बारे में पढ़ेंगे, मैक्समिलन सौरे महोदय के बारे में, जो कि सोर्बोन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए थे, और इनका मुख्य रूप से मानव भूगोल पर योगदान रहा। मानव भूगोल पर लिखी गई इनकी पुस्तक का नाम था मानव भूगोल के जैविक आधार अर्थात बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इस पुस्तक में सौर्य महोदय ने पारिस्थितिकी संकल्पनाओं यानी कि इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की अवधारणा भी प्रस्तुत की थी, और इनकी जो सेकेंड बुक है उसका नाम है लेस पिरेनीज। ब्लाश महोदय के नेक्स्ट शिष्य हैं राउल ब्लैंचार्ड महोदय, इनके बारे में, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ग्रेनोबिल यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी के प्रोफेसर रहे ये, और यूनिवर्सिटी में ही नगरीय भूगोल वेताओं की नियमित संस्था स्थापित की इन्होंने, जिसका नाम था रेगुलर स्कूल ऑफ अर्बन ज्योग्राफी। इसके जरिए बहुत सारी सिटीज का ज्योग्राफिकल रिसर्च इन्होंने पब्लिश किया, और नगरीय भूगोल पर इनका प्रमुख कार्य रहा था। फ्लैंडर्स का प्रादेशिक भूगोल पर एक रिसर्च इन्होंने पब्लिश किया, और इनका पीएचडी का टॉपिक भी यही था। उसके बाद विश्व के दूसरे देशों पर भी भौगोलिक ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। अल्पाइन भौगोलिक संस्था की इन्होंने स्थापना की थी, अल्पाइन इंग्लिश में बोलेंगे तो इंस्टीट्यूट द ज्योग्राफिक अल्पाइन की इन्होंने स्थापना की थी, और इसी संस्था से अल्पाइन रिव्यू नाम की भौगोलिक पत्रिका पब्लिश होना स्टार्ट हुई। उसके बाद इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनको देख लेते हैं, तो इनकी पहली पुस्तक है ग्रेनोविल का नगरीय भूगोल, और नगरीय भूगोल का विधि तंत्र अर्थात मेथोडोलॉजी ऑफ अर्बन ज्योग्राफी। उसके बाद पश्चिमी एशिया अर्थात
एशिया एक्सीडेंटला और उत्तरी अमेरिका यानी एल अमेरिका डू नॉर्ड, उसके बाद पूर्वी कनाडा एल ईस्ट टू कनाडा फ्रेंकाइस क्यूबेक, और उसके बाद लास्ट जो इनकी बुक है वो है फ्रांसीसी आल्प्स का भौतिक भूगोल। इसमें मैं एक बात बताना भूल गई, अल्पाइन भौगोलिक संस्था से जो इन्होंने अल्पाइन भौगोलिक संस्था की जो इन्होंने स्थापना की थी उसके जरिए ही अल्पाइन रिव्यू पत्रिका की शुरुआत हुई थी। और जो ये पत्रिका थी उसका एक और नाम है, वो नाम है रिव्यू दी ज्योग्राफिक अल्पाइन। ब्लॉच महोदय के नेक्स्ट शिष्य के बारे में हम, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हम देखेंगे तो वो है एंड्री सीगफ्रीड महोदय। पॉलिटिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे। पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड रिसर्च इनका पब्लिश हुआ जिसका टाइटल था टैबल्यू पॉलिटिकल डी ला फ्रांस। उसके बाद इनका एक और ग्रंथ था टैबल्यू डेस ऑन फ्रांस। इनकी और भी बुक थी जो कि फेमस हुई, ग्रेट ब्रिटेन, लैटिन अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्वेज कैनाल, मेडिटेरेनियन सी। और निर्वाचन भूगोल के जनक कहलाते हैं ये, फादर ऑफ इलेक्टोरल ज्योग्राफी। और इनकी ये पुस्तकें फ्रांस के बाहर भी अन्य भाषाओं में अनुवादित की गई। और एक बात और बताना मैं भूल गई, राजनीतिक विज्ञान की संस्था यानी कि इंस्टीट्यूट दे साइंस पॉलिटिक में सीगफ्रीड महोदय ने विश्व शक्ति पर राजनीतिक आर्थिक व्याख्यान दिया था और सीगफ्रीड महोदय को बहुत प्रतिष्ठा मिली थी। ब्लाश महोदय के लास्ट शिष्य के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जैकवस अंसेल महोदय, जो कि पूरे यूरोप के पॉलिटिकल ज्योग्राफर थे। और इन्होंने राजनीतिक भूगोल लिखा जो कि तीन भागों में लिखा था, भू राजनीति लिखा इन्होंने। भू राजनीति से एक बात याद आती है कि जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कार्ल हाशोफर महोदय के बारे में जिन्होंने भू राजनीति का कॉन्सेप्ट दिया था, विचारधारा दी थी, तो जैकवस अंसेल महोदय हाशोफर महोदय की भौगोल जो ये सॉरी भू राजनीति विचारधारा जो उन्होंने दी थी हाशोफर महोदय ने, उससे जैकवस अंसेल महोदय सहमत नहीं थे। और इनकी जो अदर बुक्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं, तो यूरोप का राजनीतिक भूगोल, बाल्कन का जनसंख्या भूगोल, सीमांत क्षेत्रों का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी ऑफ फ्रंटियर्स, तो ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। तो अब तक हमने सभी फ्रांस के सभी प्रमुख भूगोलवेत्ताओं के बारे में पढ़ लिया है, तो अंत में हम यह कह सकते हैं कि फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं का मेन कंट्रीब्यूशन ह्यूमन ज्योग्राफी में रहा, और साथ ही भौतिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, औपनिवेशिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और नगरीय भूगोल पर भी इन्होंने काम किया। तो आज हमने फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं का ज्योग्राफी में जो कंट्रीब्यूशन रहा उसे विस्तार से पढ़ा। ज्योग्राफिकल थॉट्स की प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंध रखते हैं, तो अपने लेक्चर्स में मैंने कुछ भी इम्पोर्टेंट कंटेंट को मिस नहीं होने दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश की भौगोलिक विचारधारा को। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू।